मूवी की शुरुआत में हमें लैम्बर्ट परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें जॉर्ज, उसकी पत्नी रिनाए और उनके 3 बच्चे हैं। ये लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहाँ रिनाए अपने सारे सामान को अनपैक कर रही होती है। वो कुछ किताबों को बुक शेल्फ में रखती है, लेकिन तभी कोई अननोन थिंग उन किताबों को नीचे गिरा देता है। रिनाए को लगता है कि उसके दोनों बेटों ने ऐसा किया, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं। वहीं रिनाए के बड़े बेटे डेल्टन को दिखाया जाता है, जब वो रात को घर पर खेल रहा होता है, तभी ऊपर एटिक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डेल्टन एटिक में जाता है और लाइट ऑन करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है, और तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। और अगले पल वो अपने सामने किसी चीज को देखता है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता और ना ही डेल्टन उन्हें बताता है कि उसने क्या देखा है। डेल्टन को चोट लगी होती है, इसलिए उसके पिता उसे सुला देते हैं, पर जब वो सुबह उसके पास जाते हैं तो वो होश में नहीं आता, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बेटा कोमा में चला गया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 महीने बीत जाते हैं। डेल्टन अभी भी कोमा में है और अब उसे घर ले आया गया है। एक दिन रिनाए जब पियानो पर म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहां पर रखे गए छोटे से स्पीकर पर, जो स्पीकर उसकी छोटी बेटी के कमरे से कनेक्टेड है, उस पर कुछ लोगों की आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि उसकी बेटी के कमरे में कोई है। वो स्पीकर उठाकर उसे ध्यान से सुनती है और आवाजें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो डर जाती है, उसके हाथ से स्पीकर छूट जाता है, और जब वो भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वहां बस उसकी बेटी रो रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहां पर क्या हो रहा है। वहीं उसी रात को उसका छोटा बेटा फॉस्टर कहता है कि मैं अपना रूम बदलना चाहता हूँ। वो पूछती है, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? फॉस्टर बताता है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई यानी कि डाल्टन, जो कि कोमा में है, वो रात को चलता है। लेकिन रिनाए उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, और अब रात हो जाती है। फॉस्टर अपने कमरे में सो रहा था और उसके भाई का कमरा यानी कि डाल्टन का कमरा बिल्कुल सामने होता है, इसलिए वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। और अगले पल उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा होता है। वही रिनाए और उसके पति जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो दोनों अपने कमरे में है, और इनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। और जब जॉर्ज बाहर जाकर चेक करता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, और तभी उनकी छोटी बेटी के रोने की आवाज आती है। रिनाए वहां पर भागते हुए जाती है और पर्दे के पीछे देखती है कि वहां पर एक साया खड़ा है, जिसका चेहरा व्हाइट है। उसे देखकर वो चिल्लाती है। जॉर्ज भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका था। रिनाए उसे बताती है कि पर्दे के पीछे कोई था। जॉर्ज घर में उसे ढूंढना शुरू करता है, और तभी देखता है कि जो दरवाजा उसने 2 बार पहले भी बंद किया था, अब वो दोबारा खुला हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और चीजें अभी भी खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद जब रिनाए अपने बेटे डेल्टन की बेडशीट को ठीक कर रही होती है, तभी वो देखती है कि वहां पर किसी के खून भरे हाथ का निशान है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाती है। और अब उसे कहीं ना कहीं शक हो चुका है कि इस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगली शाम को जब वो अपने कमरे में होती है, उसे खिड़की के बाहर कोई चलता हुआ दिखाई देता है, और अगले पल वो साया उसके कमरे में आ जाता है। वो उस पर हमला करता है, जिसे देखकर रिनाए बहुत जोर से चिल्लाती है। जॉर्ज भी वहां पर आ जाता है, लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका है। और अब ये फैसला करते हैं कि ये अब इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि इस घर में कुछ कुछ ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो इन्हें यहाँ से भगाना चाहती है, इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, और ये सब के सब यहाँ से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें जॉर्ज की मॉम भी इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हुई होती है। लेकिन चीजें अभी भी खत्म नहीं होती। यहाँ पर रिनाए को अपने घर के अंदर एक बच्चा चलता हुआ दिखाई देता है, पर जब वो थोड़ा सा आगे जाकर देखती है तो बच्चा गायब हो जाता है। साथ ही यहाँ पर वो सब चीजें हो रही थी जो पहले वाले घर पर भी हो रही थी। ये समझ जाते हैं कि वो शैतान जो इनके साथ पिछले घर में था, वो यहाँ पर भी आ चुका है। जॉर्ज की मॉम इन सबको बताती है कि मैंने एक सपना देखा था, जिसमें शैतान ने मुझे कहा था कि मैं डाल्टन को अपने साथ ले जाऊंगा। और ठीक उसी पल वो अपने बेटे जॉर्ज के पीछे शैतान को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। इससे पहले कि वो इन्हें कुछ बताती, डाल्टन के रूम से आवाजें आना शुरू हो जाती है। सबके सब डाल्टन के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि डाल्टन बेड से नीचे गिरा है और उसके पूरे कमरे में तबाही मची हुई है। अब ये लोग यहाँ पर एलिस को बुलाते हैं, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, जो एक साइकिक है। और अब वो डाल्टन के कमरे में जाती है तो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई शैतान जरूर है। वो शैतान को भी देखती है, जो जॉर्ज की मॉम ने उसके पीछे देखा था। वो इन सबको बताती है कि तुम्हारा बेटा कोमा में नहीं है, बल्कि वो एक गहरी नींद में है। दरअसल तुम्हारे बेटे के अंदर एक खास शक्ति है, जिस शक्ति के साथ वो पैदा हुआ था, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर ट्रेवल कर सकती है। और इस बार वो ट्रेवल करते हुए बहुत दूर निकल गई। वो उस दुनिया में फंस गई जहाँ पर शैतानी आत्माएं रहती है। तुम्हारा बेटा यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है, शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा एक सपना है, और इसी बात का फायदा शैतानी आत्माएं उठाना चाहती है। वो तुम्हारे बेटे के शरीर के जरिए हमारी दुनिया में आना चाहती है। और इसके बाद एलिस को दिखाया जाता है कि वो अब डाल्टन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, वो उससे कनेक्ट हो जाती है। डाल्टन उसे बताता है कि मुझे एक आदमी से बहुत डर लगता है, जिसका चेहरा आग की तरह लाल है। मुझे डर है कहीं वो हमारी बातें सुन ना ले। और अगले पल वो बताता है कि वो शैतान यहाँ पर आ चुका है, उसने हमारी बातें सुन ली है। यहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि ये संभलते, ये देखते हैं कि डाल्टन इनके पास खड़ा है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो इन सबको इनके चेयर से नीचे गिरा देता है। और अब यहाँ पर
शैतान भी आ जाता है जिसने रेने पर हमला किया था। वो एक बार फिर से उसी पर हमला करता है। जॉर्ज उसे देख लेता है। वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो शैतान उसे उठाकर फेंक देता है। इससे पहले कि ये सभी ने मार दे, क्रिस डाल्टन के सिर पर हाथ लगाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है। दरअसल ये सब डाल्टन नहीं कर रहा था बल्कि शैतान उसके पीछे खड़ा था जो सब कुछ उससे करवा रहा था। उसने उसकी बॉडी पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था और अब जॉर्ज की मॉम उसे बताती है कि बचपन में तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। तुम हमेशा बताते थे कि तुम एक बूढ़ी औरत को देखते हो जो तुम्हारे आसपास रहती है और जब तुमने फोटो खिंचवाई और मैंने फोटो देखी तो वो हर एक फोटो में तुम्हारे साथ थी। इसलिए तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की एक भी फोटो नहीं है, ना ही तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की यादें हैं, क्योंकि उस वक्त भी मैंने एलिस की मदद ली थी। मैं इसे कई सालों से जानती हूँ। एलिस ने तुम्हें उन सब से बचा लिया था। तुम्हारे अंदर भी वही शक्तियां हैं जो तुम्हारे बेटे के अंदर है, यानी उसकी आत्मा भी ट्रैवल कर सकती है। एलिस जॉर्ज से कहती है कि तुम ही हो जो अपने बेटे को बचा सकते हो। तुम्हें उन आत्माओं की दुनिया में जाना होगा जहाँ तुम्हारे बेटे की आत्मा फंसी हुई है, लेकिन याद रहे वहाँ पर जितनी भी आत्माएं होंगी उन्हें कभी भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम असली दुनिया से, यानी कि इंसानों की दुनिया से आए हो और तुम्हारा शरीर अभी भी जिंदा है। नहीं तो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के लिए तुम्हारे शरीर के जरिए इस दुनिया में आने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अब जॉर्ज अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार है। उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल दिया जाता है और अब वो आत्माओं की दुनिया में है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ साए हैं जिनमें वो अपने बेटे को भी ढूंढ रहा होता है और तभी उसे अपना बेटा दिख जाता है जिसके पैरों को किसी ने जंजीर से बांधा हुआ था। जॉर्ज अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और डाल्टन अपने पिता के गले लग जाता है और बताता है कि मुझे उस शैतान ने यहाँ पर बांध रखा है, वो बहुत खतरनाक है। जॉर्ज अपने बेटे को जंजीरों से आजाद करवा देता है लेकिन ठीक उसी वक्त उस शैतान जिसने जॉर्ज के बेटे डाल्टन को यहाँ पर जंजीरों से बांध रखा था वो जॉर्ज को देख लेता है और उस पर हमला करता है। जॉर्ज उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाता, इसलिए किसी भी तरह जॉर्ज अपने बेटे को यहाँ से लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। पर अब वो एक अंधेरे कमरे में है। उसके चारों तरफ बहुत सारी आत्माएं हैं। दरअसल ये वो घर था जहाँ पर ये पहले रहा करते थे, जहाँ पर डाल्टन कोमा में गया था, लेकिन किसी तरह से वो यहाँ से अपने बेटे को उठाकर बाहर निकल जाता है और अपने दूसरे घर में आ जाता है जहाँ पर उसकी और उसके बेटे की बॉडी है। वो अपने बेटे की आत्मा को घर के अंदर छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बॉडी ढूंढनी होगी। वो अपनी बॉडी के पास जा ही रहा होता है कि तभी उस पर शैतान अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह वो अपनी बॉडी तक पहुंच जाता है। अब हमें रियल वर्ल्ड में जॉर्ज की बॉडी को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे झटके आ रहे होते हैं। उसकी पत्नी रेनाए उसे असली दुनिया में वापस बुलाती है, पर इस वक्त जॉर्ज एक मिरर के सामने खड़ा होता है और मिरर की दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत होती है जो बचपन में उसे दिखा करती थी, जो बचपन में हर एक फोटो में उसके साथ होती थी। लेकिन जॉर्ज उसे देखकर नहीं डरता और उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम यहाँ से चली जाओ। वो बूढ़ी औरत चली जाती है और इसके बाद जॉर्ज और उसका बेटा डाल्टन दोनों होश में आ जाते हैं। ये दोनों पूरी तरह से ठीक होते हैं। ये देखकर सबके सब बहुत खुश होते हैं कि दोनों की जान बच गई। अब एलिस और जॉर्ज आपस में बातें कर रहे होते हैं। एलिस को जॉर्ज को देखकर कुछ शक होता है और ठीक उसी पल वो उसकी फोटो क्लिक करती है, जिससे जॉर्ज बहुत गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। एलिस की चीख की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रिनाए वहां पर आती है और देखती है कि एलिस की मृत्यु हो चुकी है। उसके हाथ में कैमरा भी होता है जिससे उसने जॉर्ज की फोटो क्लिक किया था और जब वो उस फोटो को देखती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वो फोटो जॉर्ज की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत की थी, यानी कि जॉर्ज की जो आत्मा है अभी भी वो दूसरी दुनिया में फंसी हुई है और उसके शरीर पर अब उसी बूढ़ी औरत का कब्जा है। रिनाए इससे पहले कि कुछ कर पाती, कुछ समझ पाती, उसके कंधे पर जॉर्ज हाथ रखता है और जैसे ही वो पीछे देखती है ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।